तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जियो फोन 2 की फ्लैश सेल थी जो अब वो बुकिंग में चेंज हो गई है, तो अब आप लोग इसे बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां बाई करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, आप लोगों को पेमेंट तक का ऑप्शन दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग काफ़ी आसानी होगी। जो लोग ज़्यादा बुकिंग के लिए थोड़ा सा परेशान थे, तो उनके लिए सारी क्लियरेंस यहाँ पर हो जाएगी ख़त्म। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा। बाकी आप लोग जियो फोन 2 के बारे में जानना था तो हमारी दूसरी वीडियो को देखें, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी डिटेल आप लोगों के लिए बता रखी है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले यहाँ जियो फोन 2 दिख रहा है, साथ ही फ्लैश सेल दिख रहा है, तो सेल पे आप लोग क्लिक करेंगे। फ्लैश सेल पे क्लिक करते हैं तो आप लोग एक नए ऑप्शन पे आ जाएंगे, नया ऑप्शन यानी कि नया विंडो बाय नाउ का। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पिन कोड की अवेलेबिलिटी पूछेगी, आप लोग का एरिया का जो भी पिन कोड हो आप लोग यहां पे डालेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ें जो कि बताएगा कि यहां पे अवेलेबल है कि नहीं। तो आप यहां पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे अपना पिन कोड डालने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिवाइस अवेलेबल है, ये 5 से 7 दिनों में डिलीवरी करने का ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब 5 से 7 दिनों में डिलीवरी कर देंगे। 99 रुपये आप लोगों से जो कि चार्ज ले रहे हैं डिलीवरी करने का, जो भी इनका शिपिंग चार्ज है पैकिंग वगैरह का। आप लोगों को फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, एक यूज़र के लिए, मतलब जो एक बंदा बुक कर रहा है, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर पे एक ही फ़ोन मिलेगा। आप 2-3 फ़ोन एक बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता। आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट डिटेल दी हुई है। फिर यहाँ पे सिंपली चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप लोग अपने पर्सनल डिटेल पे आएंगे, जहाँ पे आप लोगों को नाम भरना पड़ेगा, अपना नंबर भरना पड़ेगा, ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे वो चीज़ें भर देंगे, मैंने भर दिया है। फिर आप लोगों को नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोग डिलीवरी एड्रेस पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को डिलीवरी मंगवाना है वहाँ पे आप लोग इसको डालेंगे। तो मैं जहाँ पे मंगवाना चाहता हूँ मैं वो एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, तो आप लोग भी वो एड्रेस डालिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एड्रेस फिल कर लिया और साथ में आप लोगों ने जो पिन कोड डाला हुआ था उसी डिफॉल्ट से आप लोगों का जो कि स्टेट और आप लोगों का शहर सेलेक्ट हो जाएगा, आप लोग का जिला। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोग पेमेंट ऑप्शन पे आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट भी कई तरह से है, 4 तरह से यहाँ पे आप लोगों को होम डिलीवरी में यानी कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है, यानी कि COD यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। रिडीम क्रेडिट्स आप लोगों के पास है तो यहाँ पे ऑर्डर या फिर मोबाइल नंबर डालेंगे तो वहाँ पे अगर कुछ है, अगर आप लोगों का जियो का नंबर है तो यहाँ पे आप डालिए, अगर किसी भी तरह का वहाँ पे क्रेडिट बचा होगा आप लोगों का तो यहाँ पे आप लोगों का वो कुछ बैलेंस कट जाएगा, यानी कि 3,000 रुपये है आप लोगों के, 3,098 रुपये अगर आप लोगों के रिडीम क्रेडिट में कुछ पैसे बचे हैं तो यहाँ से आप लोग उसको यूज़ करके इसमें कटवा सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर कुछ पैसे बचा सकते हैं उसको डाल करके, अपना सिंपली यहाँ पर इंटर ऑर्डर या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट ऑप्शन समझा दूँ, यहाँ पे 4 तरह के हैं। जियो मनी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी। यहाँ पे हम डेबिट कार्ड को चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के पास डेबिट कार्ड ही होगा, ATM कार्ड मेनली डेबिट कार्ड पर ही मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 3 तरह का डेबिट कार्ड दिया हुआ है, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड और वीज़ा कार्ड। तो यहाँ पे मैं रुपए कर लेता हूँ क्योंकि मेनली लगभग 70% डेबिट कार्ड रुपए में ही आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग को दोस्तों फिर आप लोग के कार्ड की डिटेल पूछेगा, जैसे कि आप लोग के कार्ड में नंबर हो गया, आप लोग की एक्सपायरी डेट हो गई और साथ में आप लोग का CVV नंबर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड नंबर आप लोगों से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ आप लोग को डाल के नहीं दिखाऊंगा कुछ सिक्योरिटी रीजन से। बाकी आगे का ऑप्शन वही है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल जो है मैं आप लोग को समझा दूँगी। नेम ऑन कार्ड, जो भी आप लोग का कार्ड पर नाम है वो डालेंगे, फिर एक्सपायरी डेट डालेंगे कार्ड की, फिर उसके बाद CVV नंबर दोस्तों यहाँ ने CVV2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग अगर पीछे ही देखेंगे अपने कार्ड के तो पीछे एक सफेद कलर की पट्टी बनी होगी, काले कलर के डायरेक्ट नीचे लिखा होता है आप लोगों का CVV नंबर। तो दोस्तों यहां पे आप डालते हैं, वो 3 अंकों का होता है, उसको डाल करके मेक पेमेंट करेंगे तो आप लोगों ने जो भी बैंक में दे रखा है नंबर उस पे आएगा आप लोगों का OTP, 1 टाइम पासवर्ड, फिर आप लोग उसे इसमें भरेंगे, आगे के ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, फिर आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा और 5 से 7 दिनों में आप लोगों के हाथ में आपका जियो फोन 2 होगा। तो दोस्तों, ये है पूरी प्रोसेस बुकिंग की। आप लोग जियो फोन से भी बुक कर सकते हैं, यानी कि जियो फोन का जो माई जियो ऐप है उससे भी बुक कर सकते हैं। वहाँ पे बुक करने में दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों, कि कई बार यहाँ पे पैनिक हो जा रहे हैं लोग, बुक नहीं हो पा रहा, साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ये सब बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोग पैनिक नहीं होंगे, आप लोग बुकिंग करते रहिए, हो जाएगा 10-15 मिनट में जो कि साइट सही हो जाएगी। अगर ये दिक्कत आती है, क्योंकि मैं शुरुआत में बुक कर रहा था तो ये दिक्कत आ रही, तो मुझे लगा आप लोग भी बुक करेंगे तो आप लोगों को आएगी, इसलिए मुझे बता देना आप लोगों को ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर MI की भी सेल, जो कि MI A2 है Xiaomi का, उसकी भी सेल स्टार्ट है, 23 मिनट में एंड हो जाएगी। अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अभी बज रहा है 12:36, मे भी आप लोगों को वीडियो थोड़ी लेट मिले तो हो सकता है आप लोगों को ये सेल देखने को ना मिले, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा।
तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो भी अपने जियो फोन 2 की पूरी प्रोसेस को देख सके किस तरह से बुक करना है। सिंपल सा बुकिंग प्रोसेस दोस्तों, अगर आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ बुक करके डिलीवरी करवाते हैं सेम यही प्रोसेस है, बस आप लोग को कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे नहीं मिलता है। मे बी आप लोग को आगे फ्यूचर में कैश ऑन डिलीवरी देखने को मिले, अभी तो फिलहाल नहीं है। अगर आप लोग बुक करते हैं, अगर मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की कमाल की वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, कमाल की इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरह की हेल्प लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी वीडियोज़ जो भी अपलोड होगी आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों को दिन शुभ हो। जय हिंद। बताए हैं या फिर इस कंपैरिजन में आप लोगों को और कौन कौन से अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप लोग उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा जियो फोन 2 को बुक करने से पहले।